हाय विवान वन प्रेज जय मस्की सबको वी वेलकम एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ अलॉरेंस एव जीजस क्राइस्ट प्रेज एवरीबॉडी आज हम आज जुड़ते हैं टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड कुछ समय परमेश्वर के वचन सुनने में मनाने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं और जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं यू कैन शेयर दिस लिंक विद योर फैमिली और फ्रेंड्स देसो कैन जॉइन अलॉन्ग विद एस हाला हमारे देश में जैसे हम आज यू नो वी हैड पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे मनाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए और मैं जानती हूँ कि बहुत सारी कलेसियाँ हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर हमारी कलेसियाओं को हमारे देश को आशिष करें और जिस जमीन में यू you नो know, प्रभु ने हमें रखा है दिस लैंड वेयर गॉड हैज प्लेस्ड अस प्लांटेड अस दैट गॉड विल फ्लरिश अस एंड गॉड विल ब्लेस हिज पीपल हालेलुया एज यू जॉइन अ लॉन्ग जस्ट टेक दिस टाइम आउट आप अपने समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट व्हाट वी मेडिटेट अपॉन और आप भी प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु में और बढ़ने का प्रभु हम सबको सामर्थ्य दें आ मैन वेलकम एवरीबडी फ्रेस अलॉड इट्स गुड टू सी एवरीबॉडी ऑनलाइन अगेन खास करके हम जैसे समय निकाले हैं नो ऑन दिस रिपब्लिक डे टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड लेट्स प्रिपेयर हम अपने आप को तैयार करेंगे सो okay. so, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करने वाले हैं कुछ चीजों के बारे में वील टर्न टू द बुक ऑफ एक्ट्स हम प्रेरितों के काम खोलेंगे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में प्रभु ने यू you नो know, उनके पुनरुत्थान के बाद बहुत सारे चीज प्रकट की है राइट सो व्हेन वी कम टू द बुक ऑफ एक्ट्स इट्स यू नो वी सी द एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स हम परमेश्वर की जो प्रेरित थे उनके काम अपोस्टल थे उनके काम को पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की कैसे परमेश्वर के राज्य बढ़ने में वो लोग ने हाथ डाला और कैसे वो लोग ने प्रभु के नाम की महिमा किया राइट द वे दे SACRIFICE themselves their lives for the sake of the gospel gospel सुसमाचार के लिए वो लोग ने कैसे अपना लाइफ SACRIFICE किया प्रभु के लिए सब कुछ त्याग करते हुए वो लोग जी रहे थे एंड uh, when we read the book of acts uh, एज़ होल हम पूरे प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी सुंदर बातें बहुत सारे कठिन बातें भी हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग इतने दुख सहे इतना दर्द सहा और प्रभु के राज्य के लिए वो लोगों ने सब कुछ अपना जान तक प्रभु के लिए दे दिया था राइट दे कंसिडर इट वेरी स्मॉल उनके लिए ये बहुत छोटी बात थी कि हम इतने बड़े परमेश्वर के लिए अपना जान दे रहे हैं एंड लिटरी दे सेक्रीफाइस देर लाइफ एवरीथिंग दैट दे हैड येशु मसीह ने खुद उनको कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उनको सब कुछ छोड़कर यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड यशु मसीह उनको कमांड करते हैं बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पीछे चलना है तुम्हें सब कुछ छोड़ना है इट यू नो एवरी ही लिस्ट इवन द थिंग्स एंड ही सेज दैट कि अगर तुम इस दुनिया में माता पिता भाई बहन बच्चे ये सब चीज लैंड और प्रॉपर्टी जो भी है सब चीज़ छोड़ कर भी तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम मैं तुम्हें यू नो और ब्लैसिंग डबल ब्लैसिंग के साथ दूंगा इस जग में भी इस जगत में भी दूंगा हाँ ले लो ये सो इवन द ब्लैसिंग इट डजन स्टार्ट जस्ट आफ्टर और इन डूरिंग आर इटर्नल लाइफ पर प्रभु कहते हैं कि इस दुनिया से ही इतने सारे घर इतने सारे परिवार इतने सारे आशीष के साथ परमेश्वर हमें तृप्त करता है बट वी नीड टू नो कि ये क्रूज उठाना एक छोटी सी बात नहीं है राइट कैरिंग द क्रॉस एंड फॉलोइंग जीजस इज नॉट ईजी आज भी हम यू you नो know, हमारे देश में वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस वी सेलिब्रेट फ्रीडम वी सेलिब्रेट द लॉज ऑफ़ द लैंड ये लैंड में ये ये देश में जो बहुत सारे uh, कायदाएँ हैं नियम हैं उस सब चीज़ों को हम एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करने में हम लगते हैं राइट दैट्स वन वी आर कॉल्ड गुड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री बट प्रभु ने इस देश के कायदाओं से भी बढ़कर प्रभु ने सत्य बातें हमें वचन में दिया है और इस वचन को पकड़ कर जब हम जीते हैं इस वचन को हम आज्ञा पालन करते हुए जब हम जीते हैं प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य कर सकता है बिकॉज़ दिस वर्ड हैज़ लाइफ ये वचन जो हम पढ़ते हैं इसमें जीवन है और इस जीवन में प्रभु क्या करता है हमें अनंत काल के जीवन भी प्रॉमिस करके हमें उनके साथ एक संबंध बांधता है गॉड यू नो ही गिव्स अस दिस रिलेशनशिप दैट वी हैव विद गॉड हिमसेल्फ एंड द लाइफ दैट वर्ड ऑफ गॉड व्हेन वी मेडिटेट वी लिव फॉर क्राइस्ट हम क्या करें परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको बांध कर हम जीते हैं

उनके ऊपर उन्होंने फूका क्या पवित्र आत्मा यानी सेज यीशु मसीह कहते हैं रिसीव द होली स्पिरिट तो पेंथिकोस के दिन के पहले ही वो लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं पर यीशु मसीह उनको ये भी कहते हैं कि तुम यू वेट टैरी इन जरूसलम तुम यरूशलेम में रुको ताकि जो वादा पिता ने किया जो वादा यू नो हेल्पर जो तुम्हें भेजना है वो आने के लिए तुम्हें यहाँ ठहरना बहुत जरूरी है एंड ओबेइंग कमांड ऑफ गॉड परमेश्वर की आज्ञा का यू नो पालन करते हुए हम देखते हैं परमेश्वर के चेले सब लोग ये में वेट कर रहे थे कैसे वेट कर रहे थे प्रार्थना पूर्वक They were waiting in prayer, all right. They were not, uh, you know, they were not doing their own stuff. येशु मसीह को देखने के बाद पुनरुत्थान के बाद वो लोग अपना कार्य मुझे ये करना है वो करना aise ऐसे नहीं prabhu प्रभु में लगातार प्रार्थना में जुड़े थे they were continually in prayer. और वही प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम प्रभु के जन प्रभु के लोग जो उनको खोजते हैं हम प्रार्थना पूर्वक हमारा जीवन को बताए राइट गॉड वॉन्ट्स आस टू लिव अ लाइफ दैट इज इन प्रे एवरी थिंग इन लिंक विथ हिम सब कुछ उनके साथ जुड़ते हुए रीडर्न बाइबल्स टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर ट्वेंटी या उनका किताब बीस अध्याय हम पढ़ेंगे यूनोवर्स नाइनटीन ऑनवर्थ इट से

such a big authority and right God is actually granting to them them because He He breathed His Holy Spirit upon them. He said receive okay पाने का काम हमारा है तो परमेश्वर जब हमें आत्मा देते हैं प्रभु का चाहता है कि हम रिसीव करें और प्रभु ये हक उसके साथ साथ क्यों दे रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके बाद हमारे अंदर से कार्य करता है ना पवित्र आत्मा पाने के बाद दे वो वेटिंग स्टिल इन जेरूसलम बिकॉज said

and then we see that the lord you know there was a earthquake there was a big sound from heaven rushing mighty wind it filled you know we can read it later on in the book of acts chapter 2 के काम में चैप्टर टू में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दिया और फिर भविष्यवाणी को पूरा किया ना भविष्यवाणी होने के वो पूरा होने के बाद हम देखते हैं कि छेले सब निकल पड़ते हैं परमेश्वर की सेवाएं करने में एंड आफ्टर दैट हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग यू नो आफ्टर एक्सेप्टिंग जीज मे बी एवरीथिंग इज गॉन्ट बी स्मूथ बट दीज पीपल टू इट एज अ प्रिविलेज टू एक्चुअली लिव फॉर जीजस क्राइस्ट इनके लिए ये एक सौभाग्य की बात थी कि प्रभु ने इतने सारे लोग दुनिया में हैं उनके बीच में से मुझे चुना है मुझे पुकारा है ये सेवकाई करने के लिए मुझे पुकारा है ये गुड न्यूज स्प्रेड करने के लिए ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे चुना है करके वो लोग उसको यू you नो know, आनंद के साथ परमेश्वर के लिए वो लोग लो सेवकाई कर रहे थे और वैसे ही वेन वी कम टू यू नो चैप्टर ट्वेल्व हम बारह अध्याय में जब हम आते हैं द वर्ड ऑफ गॉड सेज हेरिट जो राजा था उसने अपना हाथ ऐसे डाला कि वो सभी प्रभु के लोगों को यू नो वो प्रभुस करना उसने चालू किया सबको तुच्छ माना उनको सताने की शुरुआत की और तभी उसने जेम्स जो यमुना का भाई था जेम्स एंड जॉन यू नो हम बहुत सारे जगह में तीन चेलों के बारे में

वहाँ भी हम देखते हैं ये तीन चेले थे जब यीशु मसीह ने वो लड़की को जिंदा किया हम देखते हैं उस कमरे में ये तीन चेले थे सो वी सी दैट और इवन गेट्समिनी के भाग में यू नो दैट गार्डन हम देखते हैं कि इन तीन तीन चेलों को और आगे बिठाकर प्रभु उनको सेपरेट करके बोलते हैं प्रार्थना करो और फिर और आगे यीशु मसीह जाते हैं सो यू नो इट्स रियली अ ग्रेस एंड अ ब्लेसिंग दैट दीज थ्री पीपल हैड इन दियर लाइफ ओके इन दियर लाइफ टाइम हम देखते हैं उनके जीवन में इन तीनों को ऐसा एक सौभाग्य मिला कि प्रभु यीशु मसीह के साथ और ज्यादा संबंध पर इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह यू नो पार्शियल है वी कैन नेवर से दैट गॉड इज पार्शियल ही लव्स एवरीबॉडी इक्वली बट बट गॉड इज ऑल्सो लुकिंग फॉर पीपल हु विल एक्चुअली यू नो काइंड ऑफ स्टैंड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स प्रभु चाहते कि ऐसे लोग वो चुने जो दूसरों से अलग है उनकी सेवकाई अलग है जो प्रभु के लिए यू you नो know, कुछ कार्य करे ओके okay? वी सी ये तीनों में से जेम्स को हेरेड ने यू you नो know, हम देखते हैं कि तलवार के साथ मार डाला जेम्स जो योना का योना का भाई था द ब्रदर ऑफ जॉन ना जेम्स जॉन जैसे हैरिड ने ये चालू किया तो उसको भी एक घमंड एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं इसको मार सकता हूँ तो सभी मसीहों को मैं खत्म करूंगा करके उसने ऐसे प्रभु के लोगों के विरोध में प्लानिंग किया राइट नाउ द सिलेक्शन एंड कॉलिंग ऑफ गॉड हम देखते हैं कि इन तीन छेलों को जब येशु मसीह यू you नो know, एक ग्रेस दे रहे हैं और जेम्स का जो सेवकाई था ऑफ कोर्स यहाँ तक आकर इट्स काइंड ऑफ कमिंग टू एन एंड हियर व्हेन ही एक्चुअली पुट डाउन हिज लाइफ फॉर क्राइस्ट उसने अपने जान यीशु मसीह को ले दे दिया और उसकी सेविकाई यहाँ थम जाती है पर प्रभु ने इसके लाइफ में एक इतना कार्य किया कि यीशु मसीह की सेवकाई के साथ इसको भी उस हर एक चीज़ों में प्रभु ने एक रेवलेशन और एक यू uh, नो you know, एक स्पेशल ग्रेस दिया कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट ट्री उस तीन में प्रभु ने इस छेले को एक ग्रेस दिया था राइट नाउ व्हेन वी नाउ इन दिस वी सी दैट टू अदर ब्रदर्स जेम्स एंड जॉन एंड द अदर इज पीटर एंड एंड्रू सो बारह छेलों में से दो-दो भाई ये थे जेम्स एंड जॉन एंड पतरसर एंड्रया राइट और जब यू नो मेनी टाइम्स आई अबाउट दिस बट अंद्रया जो था द इनिशियल टू डिसाइपल्स हु फॉलोड जीसस यीशु मसीह के दो चेले जो पहले यीशु मसीह के पीछे गए जब यमुना बपतिस्मा ने कहा कि दिस इज द लैंप ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द द ऑफ वर्ल्ड यही वो uh, मेमना है जो दुनिया का पाप उठाएगा जब यमुना बपतिस्मा ने दिखाया प्रकट किया दो चेले यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और वचन कहता है कि उस दोनों में से एक था अंद्रेया right andrew was that one of that disciple who literally followed jesus then he goes to peter कर, right but this disciple was not among those three ye chela un right agar nasi uh, if we would be in andrew's place agar और के जगह में रहते थे तो आपका मन कैसे रहता व्हाट वुड बी योर थॉट व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ योर थॉट और योर माइंड आप जब सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं आप देखते हैं कि वो दो भाई को प्रभु ने चुना है आपका एक खुद का भाई पतरस को भी चुना है पर आपको प्रभु ने बोला नहीं दूसरे सब साथ में हैं वो तीन सेपरेट जा रहे हैं व्हाट वुड आर थॉट बी अगर आप उनकी जगह में रहते तो आप कैसे सोचते हैं आप सोचते हैं कि ये कैसा है क्यों प्रभु मुझे छोड़ रहे हैं यू नो वी वुड हैव दैट काइंड ऑफ वुड हैव दैट जेलसी एंड वी दैट वाई ही एंड नॉट मी क्यों प्रभु उसको चुन रहा है मुझे नहीं क्यों प्रभु ने उसको पुकारा मुझे नहीं यू you नो know, ऐसी कड़वाहट बहुत बार क्या होता है प्रभु के लोगों के मन में भी रहता है राइट वी हैव दट काइंड ऑफ यू नो पोलसेस मेनी प्रीच प्रीच द गॉस्बल बहुत सारे लोग परमेश्वर की सुसमाचार कॉम्पिटिशन के लिए भी प्रचार करते हैं इवन जस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन बट एट द एंड ही सेज अंत में वो कहता है कि एटलीस्ट प्रभु का सेवकाई हो रहा है तो होने दो एटलीस्ट प्रभु का प्रचार हो रहा है तो होने दो सम पीपल द वर्ड ऑफ गॉड से सम पीपल प्रीच क्राइस्ट आउट ऑफ सेल्फिश एंबिशन बहुत सारे लोग अपने कारण मेरे कारण मुझे करना है मुझे भी करना है ऐसी चीजों के कारण क्या करते हैं जाकर सुसमाचार भी प्रचार करते हैं पर पॉलस कहता है कि एटलीस्ट एटलीस्ट अगर प्रभु की महिमा हो रही है अगर प्रभु के वचन का बांटना हो रहा है तो होने दो राइट सो इट्स नॉट फॉर सेल्फिश रीजनस दैट वी प्रीच द गॉस्पल और येशु मसीह ने जैसे ये तीन को सेपरेट किया ये दूसरे जो वहाँ नीचे थे यू नो नाइन ऑफ देम दे नेवर फेल्ट ओफेंडेड उनके अंदर कभी भी यू नो दे डिड नॉट फील ओफेंस देर वॉज नो ऑफेंस कि वाई जीजस इज डूइंग दिस टू देम एंड नॉट टू अस क्यों यीशु मसीह उनको ऐसे दिखा रहे हैं? हमें नहीं ये पर्टिकुलर ऑफेंस उनके अंदर नहीं आए वो लोग दे नॉट लाइक ऑफ ऑफेंडेडस इज जस्ट शोइंग पार्शियलिटी देर एंड नॉट गिविंग देट है उनके अंदर वो नहीं आ रही थी क्यों क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम भी जो प्रभु के लोग हैं पहले हमें प्रभु ने चुना है प्रभु ने हमें भी अलग किया है अगर इन इतने इतने सारे लोगों के बीच में अगर प्रभु ने मुझे चुना है तो मुझे प्रभु को धन्यवाद कहना है हमें इफ गॉड हैज अस टू नो हिज नेम टू वर्शिप हिम टू वर्शिप द वन थ्रू गॉड दैट दैर इज अ बिग प्रिविलेज फॉर अस वो ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें चुना इस दुनिया से अलग किया हमें नाम से पुकारा राइट right? सो so, वो ग्रेटफुलनेस वो वो जो मन है That mind of Christ, God expects from us. Now, just imagine if Andrew himself is quiet among the nine. If he If he himself is not feeling anything or bad, that he is not among that three, why should we feel anything? And that itself is showing us that they never had any kind of uh, envy among राइट right? उनके अंदर एक दूसरे के प्रति कुछ भी क्रोध जेलसी कॉम्पिटिशन uh, ऐसा नहीं था जब यीशु के पीछे चलते थे दे द क्वेश्चन सबसे बड़ा कौन है प्रभु के राज्य में यू नो दे वांटेड दैट दे हैड दैट यीशु मसीह के साथ चलते चलते क्या हुआ वचन उनको बदल रहा था द वर्ड वाज चेंजिंग दैट वॉर गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम एज वी मेडिटेट ग्रो एज वी become disciples of Jesus Christ. We learn from the word of God and we change. Agar aaygi, kabhi be hum ke ban sakte and God wants us to be like the Lord Jesus Christ. Put on the Lord Jesus Christ. He wants us to have the mind of Christ. Yeshu -masi ka man, soch, ki rahe. Our thoughts, our deeds, our words, our actions, everything must be like द लॉड जीजस क्राइस्ट सो वेन वी फॉलो हिम उनको जब हम पीछे चलते हैं उनकी बातों को हम जब अपनाते हैं गॉड एक्सपेक्ट्स अ चेंज हम बदले हाल हम अपने आप को शून्य बनाकर वी हैव टू मेक आर सेल्स नथिंग और जीरो इन फ्रंट ऑफ वॉट हु गॉड इज प्रभु कितने बड़े हैं उनके सामने हम शून्य हैं हम तो कभी घमंड नहीं कर सकते हम क्या है इवन वरदानों की बात करेंगे तो बी वी कैन एवक बोस्ट अबाउट व्हाट वी हैव बिकॉज एवरी थिंग इज फॉर हिज ग्लोरी Amen. जो भी प्रभु ने हमें दिया है हर एक बात हर एक कार्य ये उनकी महिमा के लिए है इट्स नॉट फॉर बोस्टिंग हले लो बहुत यू you नो know, बहुत सारे चेले जो प्रभु के सेवकाई किए हैं एज दे लिव their फॉर क्राइस्ट दे लिटरली गेव अप एवरी थिंग फॉर हिम उन्होंने जब पवित्र आत्मा पाया यीशु मसीह का रेवलेशन उनका प्रकटीकरण देखा उन्होंने ने सब कुछ त्याग कर दिया एवरीथिंग दे सैक्रीफाइस फॉर हु फॉर द लॉर्ड जीज क्राइस्ट हम देखते हैं James जो था revelation, the close, वन uh, you know, that close communication with the Lord Jesus, to see firsthand a lot of things, बहुत सारी चीज़ों पहली बार पहली बार देखने के लिए प्रभु ने इसको कृपा दिया था तो आफ्टर दिस हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों को प्रभु के चेलों को अरेस्ट किया था हेरेड ने और उसके बाद five फाइव Peter पीटर therefore kept in प्रिजन बट बंदीग्रह में डाला गया था और उसके लिए कलिसिया क्या कर रही थी कॉन्स्टेंट प्रेयर कलिसिया हर समय उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे ना यू नो वाई दर्डन राइट इस पथरस के लिए इतना बोझ

प्रेम उद्भवता है कि प्रभु के लोगों के प्रति भी हमारे अंदर क्या होता है प्रेम उत्पन्न होता है इट सेस कांस्टेंट प्रे दिन रात प्रभु के लोग प्रभु की कलिसिया पत्रस के लिए प्रार्थना कर रहा था नाउ दिस इज द काइंड ऑफ पीपल गॉड वांट्स अस टू बी टू प्रे फॉर वन अनदर टू रिमेंबर वन अनदर इन प्रे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना एक दूसरे को सपोर्ट करना भाईचारा हमारे अंदर रहना पवित्र आत्मा से भर कर एक दूसरे को हमें ऊंचा उठाना प्रभु की बातों में यू uh, नो you know, जाना वी शुड गेट इनटू थिंग्स अबाउट क्राइस्ट अबाउट गॉड अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड ये चीजों में हमें हमारा मन लगाना बहुत जरूरी है एंड देन इट सेड वॉज अबाउट टू ब्रिंग हिम आउट दैट नाइट पीटर वॉर स्लीपिंग बाउंड विथ टू चेन्स बिटवीन टू सोल्जर्स ओके अभी दो सोल्जर्स के बीच में उसको बांध दिया गया है जंजीर के साथ एंड द गाड बिफोर द डो व कीपिंग द प्रजेंट नाउ बी होल्ड एंड एंजल ऑफ द लॉर्ड नाउ सी दिस ओके नाओ ऑफकोर्स जेम्स गेव अप लाइफ ऑर क्राइस्ट हम देखते हैं याकूब जो था उसने अपना जीवन यशु मसीह के लिए दे दिया था पत्रस अभी वहाँ बैठा है बंदीगृह में वो सो रहा है उसको बांध दिया गया था दो यू नो सोल्जर्स के बीच में गार्ड्स थे दौड़ पे और वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं था ही वॉज इन सच सिचुएशन दैट लिटरली ही वॉज फुली सिक्योर्ड वो लोगों ने सब कुछ इतना सिक्योर करके रखा था क्योंकि उनको अगले दिन पत्रस को के पास लेकर जाना था right and the word of god says an angel of the lord stood by him and a light shone in the prison and he struck peter on the side and raised him up saying arise quickly and his chains fell off his hands now see the, the extent till which god comes to come and deliver प्रभु यू नो पत्रस को बचाने के लिए एक कदम उठाकर अपने स्वर्ग भेजकर वो जाकर उसको जल्दी से यू you नो know, उसको uh, टच करके हम बोलते हैं ना कि ही ऑन द साइड एंड क्विकली जल्दी उठो और जैसे ही वो बोलता है उसका चेन टूटकर नीचे गिर जाता है देन द एंजल सेड दस सेल्फ एंड टाई ऑन योर सैंडल्स अपना जो चप्पल है वो उसको पहन लो अपने आप को तैयार करो और पत्रस ने वैसे ही किया चल दो और फिर हम देखते हैं कि सो ही वेंट आउट एंडोड हिम एंड नॉट नो दियल ही ड्रीम ही वॉज सी अजन वो सोच रहा था कि मैं कुछ दर्शन देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है पर एक्चुअली ये सच में उसके लाइफ में गट रहा था राइट सी हाउ गॉड वॉन्ट्स टू एक्चुअली reveal uh, and you know show forth his power and his glory when they were past the first and the second guard posts they came uh, to the iron gate that led to the city which opened to them on its own accord or jesus i first gate second gate pass the way city jo gate tha iron gate you know lokan jo it's very heavy right it's fully secured and we see that it opened to them on its own accord उसको जाके कश के साथ जाके पुश करके खोलने की बात नहीं थी अगर प्रभु जंजीर तोड़ता है तो द्वार भी खोलने वाला वही बनता है हालेलुया। लोहिया द गॉड हुन ही विल फिनिश एंड ब्रिंग टू कंप्लीसन जो अच्छा कार्य आपके जीवन में प्रभु ने शुरुआत किया है उसको खत्म करना भी प्रभु के हाथ में है आई मीन सो द बिग गुड थिंग ग्रेस दैट गॉड हैज बिगन इन योर लाइफ He brings to completion, and here we see and they went out, went down one street, and immediately the angel departed from him, एक street एक and when Peter had come to himself, he said, "Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod, and from all the expectation." ऑफ़ द ज्यूश पीपल जो भी लोग हेरिड मेरे विरुद्ध में सोच के रखे थे प्लान करके रखे थे प्रभु ने मुझे हर हर चीज़ों से मुझे बचा लिया है गॉड हैज डिलीवर्ड मी गॉड हैज सेव्ड मी फ्रॉम ऑल ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस नाउ इवन टुडे

यू नो हुआ वट इज अगेंस्ट हिस्स पीपल लो यह तो हम देखते हैं कि प्रभु ने अपना स्वर दूध बेच कर उसको बचाया नाउ एवरी डिसाइपल अ डिफरेंट कॉलिंग हर एक छेला एक अलग अलग बुलावट के साथ प्रभु ने एक मकसद के साथ हर एक को बुलाया था राइट एंड वी सी दैट हियर इन पीटर्स लाइफ गॉड परफॉर्म्स थिंग्स डिफरेंटली प्रभु इसके लाइफ में एक अलग सा कार्य कर रहे हैं इसके जीवन में एक अलग सा मार्ग एक अलग सा एक ग्रेस हम देखते हैं राइट एंड इवन टूडे

मिरियम ज्योति उसके घर पे सब लोग इकट्ठा थे प्रार्थना कर रहे थे द चर्च द पीपल ऑफ गॉड इन दैट हाउस व प्रे दैट इज दैट इज यू नो द प्रे ऑफ द राइशियस अवेल्स मच वचन कहता है कि जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं प्रभु यू you नो know, उसका उत्तर बहुत सा होता है इट अवेल्स मच और प्रभु के लोग जब उस घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे प्रभु वहाँ पतरस के वहाँ कार्य कर रहा है मे बी यू हैव रेड दिस वर्ड मेनी टाइम्स आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा पर ये वचन में हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि दिस पीपल सेल्फलेस ओके ये लोग अपने आप का जो स्वयं की बातों को छोड़कर, वो परमेश्वर के वहाँ जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वहाँ पथरस इन्हों जंजीरों में वहाँ आराधना नहीं कर रहा है स्तुति नहीं कर रहा है वो सो रहा था पॉल और सिलास जब जेल में थे हम देखते हैं कि मिडनाइट के टाइम में वो लोग लो आराधना कर रहे थे off, right? the gear, the shaken, तो उनकी में कार्य हो रहा था वहां प्रभु ने कार्य अलग से उनको छुड़ाया था यहाँ हम देखते हैं प्रार्थना यहाँ चल रही है पतरस तो सो रहा है कि जो प्रभु कर रहे हैं वो करेंगे करके छोड़कर वो विश्वास में जैसे वो सो रहा है

गेट अप एंड ईट यू नो वी सी दट इवन प्रिपेयर द मील फॉर एलायजा एलायजा के लिए उन्होंने उन्होंने खाना भी तैयार करके रखा बोला गेट अप एंड ईट और एलायजा ने क्या किया उठा खाया वापस सो गया और हम देखते हैं वापस स्वरदूध उसको आके उठा के कहता है खाओ okay, क्योंकि तुम्हारा जो जर्नी है तुम्हारा जो यात्रा है वो बहुत लंबा है योर जर्नी इज वेरी बिग

ग्रेस देंगे तुम्हें चलाने के लिए बट यू कंटिन्यूली सीक गॉड प्रभु में अपने आप को हवाले कर दो गिव गॉड योर सेल्फ टोटली हाला या प्रभु के लोगों के साथ जब आपका प्रेम बंधन आपकी लोग जो प्रभु में सच में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एनी बडी हुड बाई द नेम ऑफ गॉड नो सब लोग जो यीशु मसीह के नाम से पुकारे हैं वो नहीं सच्चे लोग सच्चे आराधक प्रभु के सच्चे लोग जो हैं उनके साथ जब आप जुड़े रहते हैं सच्चे कलसिया प्रभु के लोगों के साथ जब आप जुड़े रहते हैं उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है आला लो या गॉड इवन हियर्स दैप्रे गॉड सेव गाड्स हिस्स पीपल प्रभु उनके उनको प्रभु क्या करता है उनके लिए उपलब्ध प्रभु करता है गॉड प्रोवाइड हाल लोहिया पत्रस के लिए वो पूरा जर्नी जेल से लेकर मिरियम के घर तक क्या कर रहा है प्रभु ने उसके लिए आयोजित सब कुछ किया ही ओपन द गेट विच वॉज शट ही वोक हिम अप ही सेंट इज एंजल टू डू अ मार्वलस थिंग इन पीटर्स लाइफ पतरस ने सोचा होगा ठीक है जेम्स तो चला गया है मे बी मेरे सेवकाई का भी आज अंत है चलेगा मैं अपना जीवन दे रहा हूं तो प्रभु को दे दूंगा मैं अभी सो जाता हूँ पर प्रभु कहता है नहीं उठो तुम्हारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्यों क्योंकि तुम्हारा अभी भी सेवकाई बाकी है तुम्हें बहुत सारे कार्य प्रभु के राज्य के लिए करना है और हम देखते हैं कि प्रभु उसको जाकर उठाता है सेकेंडली प्रेइंग फॉर वन अनादर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग वन अनादर इन प्रेयर एक दूसरे को प्रार्थना में सौभाग्य देना बहुत बहुत जरूरी है वी मस्ट नेवर नेवर यू नो ओनली थिंक अबाउट मे बी आसेस मैं 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 नहीं प्रभु के जन के लिए प्रभु के एक एक दूसरों के लिए प्रभु की सेवकाएं के लिए प्रभु के सेवकों के लिए जो सच्चाई के साथ प्रभु की सेवकाएं करते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज बनता है प्रे फॉर देम प्रे फॉर वन एन आदर प्रे फॉर योर फैमिलीज फोर योर रिलेटिव प्रे फॉर योर चर्च मेंबर्स सबके लिए प्रार्थना करके उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है जब एक भाई को प्रभु इस्तेमाल करता है एक ब्रदर सिस्टर को इस्तेमाल करता है हमारे अंदर कड़वाहट नहीं आना चाहिए राइट हमारे अंदर वो क्रोध नहीं आना चाहिए अंदरया सम्मान ट कुछ भी थी और उसके अंदर वो प्रेम प्रभु के प्रति प्रेम सो दी वॉन्ट वी वॉन्ट टू बी लाइक जीजस क्राइस्ट हमें ये मसीह सम्मान कि प्रभु ने मुझे चुना वो मेरे लिए काफी है प्रभु ने मुझे अभिषेक किया वो मेरे लिए काफी है हाल लो ये गॉड वॉन्ट्सैट

सही रीति से किया और एक और चीज केवल ये नहीं है कि हम सुसमाचार केवल बांटे आप जहाँ कहीं भी हैं प्रभु की सेवकाई करना प्रभु की सुसमाचार वहाँ बांटना होता है और प्रभु के लिए एक एक चिन्ह बनकर जीना टू बी अन्ड वेर आर प्रभु की बातों में जुड़ना प्रभु के लिए जीना यही प्रभु चाहता है हालेलुया सो वी नीड आल्सो यू नो टू लिटरली हैव अ माइंडसेट अपऑन द थिंग्स ऑफ गॉड प्रभु की बातों में हमारे मन को लगा के रखना प्रभु चाहता है गॉड वॉन्ट्स यू टू सेट योर माइंड ऑन थिंगस अबाउ एंड नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द अर्थ आज भी एक निर्णय लेंगे कि प्रभु मैं अपने मन को अपने मन को मेरे सोच मेरे विचार को मैं ऐसे रखूंगा ताकि मैं केवल आपके बारे में सोचू आपकी चीजों में मैं मनन करूँ आपकी चीजों में मैं यू नो लगातार मेरे मन को यू uh, नो you know, एक uh,

अभी तो जैसबल एनी anyway, वे आके मुझे मराने वाली है ये सेम लाइन हम देखते हैं कि इवन द प्रोफिट जॉना यूना जो था वो जाकर जब वो देखता है कि प्रभु ने यू uh, नो you know, वो दैट प्लांट दैट केम अप गेम इन द शेड एंड आफ्टर दैट दैट विदर अवे इन द सन हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं मर जाऊँ बिकॉज यू नो ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आती है बहुत बार वी थिंक स्लीप और मे बी टोटल स्लीप इज मे बी द दल्यूशन नो बट टुडे गॉड स्पीकिंग लाइफ ओवर ईच एंड एवरी वन ऑफ एस आज प्रभु हम हरेक के ऊपर जीवन घोषित करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन के लिए पुकारा है ही इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ हले लो या वट एवर यू फील दैट आई एम लाइक दिस नो यूज आर एम लिविंग मेरे लाइफ में, में कोई जीने का कोई मकसद नहीं है मैं मर जाऊँ तो ठीक है नहीं तो मेरा लाइफ में मैं कहीं छुप जाऊँ नहीं तो मैं किधर खो जाऊँ तो काफी आई जस्ट कोईड माई सेल्फ सम वे और मे बी जस्ट डिसिप्ली फ्रॉम दिस वर्ल्ड नो Even today God speaks life over each and every one of us and says no it's not the end there is hope Hallelujah and it says it is enough वो bolta ki कि ये काफ़ी है Now, lord take my life for i am no better than my fathers maine मैंने बहुत सारा चारे kiya चारे किया मैंने ये किया वो किया बहुत cheez चीज़ elijah bahut बहुत महान tha था kehta कहता है कि बस काफ़ी है ये काफ़ी है मेरे लिए प्लीज़ प्रभु मेरा जीवन ले लो और मैं तो मेरे बाप दादा से इतना बड़ा खास तो नहीं हूँ राइट एक चीज़ हमें जानना है बाप दादा आपके कॉलिंग को डिटर्मिन नहीं करते हैं योर फोर फादर्स टू नॉट डिटर्मिन याइफ हाल गॉड हैज कॉल्ड यू सेपरेटली सेट अपार्ट आपके बाप दादा जो किए थे नहीं तो वो जो कार्य कर रहे थे उसके लिए प्रभु ने आपको पुकारा नहीं है गॉड हैज कॉल्ड यू आउट टू डू वॉट यू हैव टू डू फॉर द किंगडम ऑफ गॉड प्रभु ने आपको अलग किया है आप को कॉल किया है ताकि आप प्रभु के राज्य को बढ़ा बढ़ाने के लिए आपने प्रभु ने आपको जो रखा है वचन आपके अंदर जो कॉलिंग रखा है उसको फुलफिल करने के लिए हाल लो या सो यू नो वी नीड टू हैव दैट रेस अकॉर्डिंग टू योर कॉल योर पर्पज कि ये मेरे बाप दादा ऐसे जी रहे तो मैं भी वैसे ही जीऊँगा नहीं प्रभु आप क्या चाहते हैं वॉट डू यू ऑन मी टू डू फॉर यू वट इज़ माई कॉलिंग फॉर योर किंगडम माई पर्पज़ फॉर योर किंगडम हमें वो कहता है कि देखो मैं तो बहुत बड़ा महान नहीं हूँ और ये काफ़ी है इट इज इनफ यू नो दैट इरिटेशन दैट काइंड ऑफ मन हारना ये स्टेटमेंट आता है कि प्रभु काफ़ी है बस आई एम फेड अप ऑफ दिस लाइफ दैट एम लिविंग सीरियसली ये जो मैं चल रहा है मेरे लाइफ में ये वो आई एम रियली फेड अप एंड यू माइट सी दैट इन योर लाइफ ऑल्सो कि लॉर्ड इट्स इनफ आई एम टायर्ड मुझे मैं थक गया हूँ मेरी लाइफ में ये जो हो जो जो चीज़ हो रही है यहाँ तो हम देखते हैं कि जजबिल और उसके सारे लोग Elijah, then verse 5 says, Then as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said, Arise and eat. Arise, uto or khao. Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank, and he lay down again. सो so, ऐसा ही होता है बहुत बार हमारे पास भी कि प्रभु एक बार हमें उत्साह करते हैं राइट वी आर सो ओके हम कुछ उसको बे करके थैंक यू लॉर्ड बोल के वापस वापस वी गो बैक टू दैट सेम थाट सेम मेंटेलिटी सेम फीलिंग ऑफ पेन हर्ट सफरिंग एंड एंग्विश एंड एंगजाइटी वी जस्ट गेट इन टू दैट फेज अगेन इज इन द ट्रू बहुत बार वापस उसी फेज पे चले जाते हैं, वो दुख तकलीफ सोच विचार में कि कुछ होने नहीं वाला है राइट एंड बाइबल सर्स आर यू वेंट बैक टू स्लीप and now look at the provision it says he uske sir ke samne cake you know baked on coals and a jar of water tha now and the angel of the lord came back the second time and touched him and said arise and eat because the journey is too great for you ye jo yatra rakha hai bada hai तुम्हारे लिए वो बहुत महान है हालेलुया एंड दैट्स द रीज़न गॉड इज़ गिविंग यू द स्ट्रेंथ बहुत बार प्रभु क्यों वचन हमें देता है प्रभु के लोग के द्वारा प्रभु के कलश्या में वचन पढ़ते वक्त प्रभु दर्शन में ड्रीम स्वप्न में नहीं तो यू नो सच्चाई के साथ जब प्रभु एक वचन देता है क्यों देता है क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारा यात्रा लंबा है और सामर्थ्य के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं विदाउट पावर एंड स्ट्रेंथ इट्स वेरी हार्ड टू गेट इन टू दिस जर्नी ऑफ सर्विंग द लॉर्ड जीजस क्राइस्ट येशु मसीह के पीछे चलना क्रूज उठाकर ये जो यात्रा बहुत कठिन है इट इज हार्ड बट जीजस एज ट्राइव यू ना स्ट्राइव टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड स्ट्राइव का मतलब है कि तुम पूरा प्रयास करो ताकि तुम प्रवेश करो उस फाटक में द नैरो गेट में प्रवेश करना है तो प्रयास करो विच मीन्स इट इज एन एफर्ट टू बी पुट बाय अस वी हैव टू ट्राई अर लेवल बेस्ट इवन इफ इट्स टफ टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड बिकॉज बाइबल सेज मेनी विल ट्राई बट दे विल नॉट बी एबल टू बहुत सारे लोग ट्राई तो करेंगे पर वो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे आज टाइम है प्रभु हम सबको यू you नो know, टच करके बोल रहा है उठो हाल लो या टू पीटर पत्रस के पास प्रभु कहते हैं अराइज क्विकली और के पास परमेश्वर कहते हैं अराइज एंड ईट बिकॉज द जर्नी इज टू ग्रेट फॉर यू योर कॉलिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट फूड फॉर फोर्टी डेज एंड फोर्टी नाइट एज फार एज हॉर दउंटेन ऑफ कॉरेप तक चालीस दिन चालीस रात तक वो खाना जो उसने खाया दो बार प्रभु ने क्या किया उसको सामर्थ्य दिया all the way jaane ke and when he travels and goes you know we see how god reveals himself to him in that still small voice soch raha hai. you know elijah soch raha hai ki, prabhu main hi you know if you read verse 10 it says he said ki prabhu i'm very zealous main यू नो आई एम वेरी जीलियस फॉर योर किंगडम मैं आपके लिए बहुत जीलियस हूँ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ़ इजराइल इसराइल के लोग तो आपको छोड़ दिए हैं सब लोग आपको टुकरा दिए हैं आपके जो वेदी है उसको तोड़ डाले हैं आपके भविष्य वक्ताओं को वो लोग ने तलवार से मार दिया है मैं केवल बचा हूँ और अभी वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं ये कारण आकर वो क्या कहता है प्रभु को आके उत्तर देता है जब प्रभु पूछते हैं उसको वॉट आर यू डूइंग हियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो एलाइजा मैंने जो सामर्थ तुम्हें दिया है यात्रा के लिए वो यात्रा सही चुनो कहाँ तुम्हें जाना है क्या तुम्हें करना है एंड गॉड इज क्वेश्चनिंग एंड वट आर यू डूइंग हियर एंड एंड देन गॉड गो आउट स्टैंड ऑन द माउंटेन बिफोर द लॉर्ड जाके खड़े रहो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने अपने आप को उसको स्टिल स्मॉल वॉइस से बचा यू नो प्रकट किया एंड देन प्रभु क्या बोलते हैं विल रीड वर्स एटीन येट Yet I have reserved in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and every mouth that has not kissed him. Elijah सोच रहा था कि प्रभु इजराइल के सब लोगों ने आपको छोड़ दिया केवल मैं ही एक भविष्य वक्ता हूं जो अलाइव हूँ मैं जिंदा हूँ पर प्रभु कहते हैं मैंने सात हजार मेरे ऐसे लोगों को रखा है सात हजार कैन यू बिलीव इट सेवन थाउजेंड पीपल आई हैव प्रिजर्व रिजर्व फ्रॉम मी हुज़ नॉट बाव डाउन टू एनी आइडल्स कोई भी यू uh, नो you know, uh, पुतलियों के सामने उन्होंने अपना घुटना टेका नहीं और अपने मुँह से भी चुम्बन नहीं दिया किस हाथों के कामों को ऐसे सात हजार लोगों को मैंने मेरे लिए तैयार किया है यू नो इवन इफ यू आर अमंग दैट सेवन थाउजेंड गॉड नोज हिस पीपल प्रभु देख रहा है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं क्या हम कहाँ झुक रहे हैं कहाँ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं लाइफ में कब हम दुनियाधारी दुनिया की बात नहीं तो हम दुनिया की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके हम उस चीज़ों में यू you नो know, जुड़ जाते हैं बहुत सारे मसीह लोग हम देखते हैं कि ठंडे भी नहीं है गर्म भी नहीं है धुंधला होकर वो लोग जीवन जीते हैं यीशु मसीह भी चाहते हैं दुनिया भी, भी चाहते हैं वो लोग यीशु मसीह भी चाहते हैं अपना ट्रेडिशन अपना कल ये बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु को पसंद नहीं वो चीज़ को भी पकड़ के रखते हैं राइट दे लिविंग अ डबल लाइफ बट गॉड इज़ नॉट लुकिंग फॉर सच पीपल ही इज प्राउड अबाउट इवन द सेवन थाउजेंड पीपल हु ही हैज केप्ट फॉर हिमसेल्फ प्रभु उसमें घमंड करते हैं बोलने में कि अलायजा हाँ तुम सोच रहे हो कि केवल तुम हो पर मैंने सात हजार लोगों को ऐसे रखा तैयार जिसने अपना घुटना तक नहीं टेका नहीं तो अपने मुंह से भी इस यू uh, नो you know, जो भी मूर्ति है उसको तक नहीं दिया और ऐसे लोगों को मैंने अपने लिए तैयार करके रखा है इवन टे गॉड वॉन्ट्स अस टू बी सच पीपल गॉड मस्ट स्पीक अबाउट अस सच कि मेरे लोग कभी इस दुनिया में नहीं है नहीं तो दुनिया की बातें में नहीं है दुनियाधारी में नहीं है वो अपने मेरे लिए जीते हैं वो मेरे हैं हाल लो दैट्स हाउ गॉड वॉन्ट्स अस टू बी एंड गॉड विल गिव यू दैट ग्रेस प्रभु वो अनुग्रह भी देगा ताकि हम इस दुनिया से अलग रहे अच्छे से रहे प्रभु के मन को खुश करते हुए अपना जीवन जिये तो इवन टूडे गॉड इज बेकिंग वन ईच वन ऑफ एस आज भी प्रभु हरे को यू you नो know, uh, उठा रहा है और कह रहा है उठो समय है उठने का हाल इेट अप गेटअप बिकॉज योर जर्नी इज बिग कैरा बिकॉज इट्स नॉट टाइम फॉर यू टू सेटल वे यू आर तुम जिस जगह में हो वहाँ बैठ के सोना सोने का समय नहीं है राइट right? अंत ये नहीं है इवन टुडे ये शमस के नाम से प्रभु जीवन को घोषित करते हैं कि आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं आपके लाइफ में जो भी अंधकार की शक्ति है झकड़ है जंजीर है जो भी आपको जकड़ के रखा है लोगों की बात लोगों की बातें नहीं तो आपके कार्य आपका दुख तकलीफ पारिवारिक समस्या नहीं तो शराब अंधकार की बातें जो भी आपको जकड़ के रखा है आज भी वो यीशु मसीह के नाम से प्रभु तोड़ेंगे आमेन इवन टुडे गॉड इज गोना ब्रेक एवरी चेन दैट इज बाइंडिंग यू एवरी स्पिरिट दैट इज वियरी टुडे टायर्ड टुडे फेड अप ऑफ लाइफ प्रभु कहते हैं कि आज भी तुम्हारे अंदर प्रभु जीवन घोषित करते हैं एक आशा देते हैं कि उठो तुम्हारा यात्रा बड़ा है आई मीन योर जर्नी इज क्वाइट बिग यू नीड दैट स्ट्रेंथ टू कम एंड हैव दैट रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु के पास आना आखिर वो प्रकटीकरण पाने के लिए तुम्हारा जो यात्रा है वो बड़ा है और सामथ की जरूरत है हाल सो प्रिपेयर आर सेल्स वचन कहता है कि जैसे ही यू नो एलाइजा इसके बाद ही प्रभु उसको आशीष करते हुए हम देखते हैं कि uh, दुगना आशीष

गेट पे खड़ा है अमेरन वो लोग बोलते हैं कि उसका स्वरदूत आया होगा पत्रस तो नहीं आएगा स्वरदूत आएगा मतलब विश्वास तो है प्रार्थना तो है पर ये विश्वास नहीं है कि प्रभु ये सब चीज कार्य कर सकता है। आप ऐसे करो प्रभु आप वैसे करो मेनी टाइम वी आर गाइडिंग गॉड लिटरली टेलिंग गॉड की यूज दिस पाथ यूज दिस वे लॉट डू दिस एंड दिस फॉमीम वी थिंकट मे बी आर सोल्यूशन इज द बेस्ट राइट हम अपने मन से सोच के अपना सोल्यूशन ड्रॉ करके बोलते हैं कि प्रभु आप अगर ऐसे करेंगे तो ये सही होगा पर प्रभु का हमेशा सोच विचार हमसे अलग है आई मैन गॉड्स थॉट्स आर नॉट आर थॉट्स गॉड्स वेज आर नेवर आर वेज सो वेन गॉड से नॉट एंड इट्स नेवर इट्स नेवर गोइंग टू बी बाकी okay, प्रभु ने अगर कह दिया है कि तुम्हारा सोच मेरा सोच नहीं है तो कभी भी सोचो मत कि आपका सोच प्रभु का सोच होने वाला है इट्स नेवर गोना बी राइट बिकॉज हिज थॉट्स आर सो हाई ये आकाश जो पृथ्वी से इतनी बड़ी है उतना बड़ा उनका सोच है विच मीन्स उनका सोल्यूशन भी उतना बड़ा है और डिफरेंट है राइट सो द पीपल माइट अज्यूम द वे डिफरेंटली कैसे पतरस को बचा के प्रभु लेकर आएगा कि उसका स्वरदूत आया होगा वो लोग सोच रहे हैं पर वो लोगों को अंदर वो सोच नहीं थी कि पथरस को खुद प्रभु लेकर आ सकता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सोलूशन दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड प्रभु जो आपको जो भी सोल्यूशन देता नहीं तो आप सोचते कि ये मेरा सोल्यूशन है ऐसे मुझे करना है इससे अलग एक्सपेक्टेशन रखो कि प्रभु और बड़ा महान कार्य कर सकता है या इवन मोर देन योर थाट्स मोर देन योर इमेजिनेशन मोर देन योर एक्सपेक्टेशन गॉड कैन सपास प्रसीड प्रभु और ज्यादा और बड़ा कार्य आपके सोच विचार से अलग कर सकता है नेवर मीन्स यू नो वी आर मोस्टली बाउंड टू ओनली थिंक बेस्ड ऑन आर कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग ऑन बेस्ड ऑन आर थॉट्स राइट एक्सपीरियंसेस बट गॉड वॉन्ट्स टू गो बियॉन्ड प्रभु उससे बढ़कर जाकर झंझीर तोड़कर स्वरदूत बेचकर पत्रस पतरस को खुद जाके खड़ा कर सकते हैं आज भी हम भी विश्वास करेंगे कि प्रभु अगर प्रभु वो कर सकता है तो हमारे जीवन में भी प्रभु

सीजिंग होल सिटी हम देखते हैं कि शत्रु वहाँ राउंड वो परमेश्वर के uh, जगह को घेर के रखे थे कोई भी अंदर और बाहर नहीं जा पाया और वो वो शहर के अंदर अकाल पड़ गई थी क्योंकि यू नो नो द इवन द वॉटर सप्लाई वॉज कट ऑफ हर एक चीज को उनके लिए वो सीरियन आर्मी ने क्या किया सब कुछ कट कर दिया था एंड अभी

सेपरेटेड फ्रॉम दिटी फ्रॉम द पीपल लुक डाउन अपॉन इनको दापद जैसे लोग मानते थे नहीं तो इनके साथ कोई संबंध नहीं रखता था ऐसे ही चार लोग वहाँ गेट पे थे city, right? उन जमाने में uh, जो जो कौड़ी की बीमारी थी उनको शहर के बाहर डाला जाता था तो ये चार जन वहाँ थे वो कहते हैं वाई आर वी सिटिंग हम यहाँ बैठ कर क्यों मर रहे हैं ओके द फैमिली इन दिटी

Uh, विरोधी के हाथ में जाएंगे तो भी अगर वो जीवन रख रक, जीवित रखते हैं तो रखेंगे नहीं तो हमें मारेंगे तो मर जाएंगे तो चलेगा हम चलते हैं. Now, see, Elisha, ने एक भविष्यवाणी दी और कहा चैप्टर वन दर्ड ऑफ द लॉर्ड था लॉर्ड टूमोरो अबाउट दिस टाइम अफ फाइन फ्ला सोल्ड फॉर अकिल एंड टू द गेट ऑफ समारिया भविष्यवाणी वचन प्रभु के भविष्यवक्ता एलिशा ने दिया है जो ऑफिसर था ओके okay, वो कहता है जो राजा जिसके ऊपर लीन करता था वो कहता है लुक इफ द लॉर्ड वुड मेक विंडोज इन दिस थिंग बी अगर स्वर्ग में प्रभु खिड़की भी बनाएंगे तो क्या यह संभव है इज इट पॉसिबल इन टाइम ऑफ फैमिन इतना चीपली ऐसे ऐसे चीज मिल जाए इतने कम दाम में ये मिल जाए एंड ही सेट इन फैक्ट इनफैक्ट यू शाल सी इट विथ योर आईज बट यू शैल नॉट ईट ऑफ इट तुम इसको देखोगे पर तुम इसमें से खाओगे नहीं मनुष्य सोचता है किस you know, ये, ये हो सकता है समथिंग इम्पॉसिबल है राइट हाउ कैन सच अ थिंग हैपन बाई टुमोरो दैट ऑज अ टाइम लाइन भी एक महीना नहीं है नॉट टॉकिंग अबाउट वन मंथ टू मंथ में ये सब चीजें होने वाली है एक दिन की बात थी टूमोरो इट्स कॉन हैपन

Hamali hai. Prabhu Dhyan the suno, for the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, Look, the king of Israel has hired against us the king of Hittites and Egyptians to attack us. Therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses, and their donkeys, and they fled for their lives. When the lepers came, वो लोग ने जब जाके देखा वो ने खाया पिया अच्छे से वो लोग किया उसके बाद उनके अंदर आता है कि देखो हम सही नहीं कर रहे हैं अगर हम आज ये अच्छे सुसमाचार को छुप रखेंगे तो ये हमारे लिए भारी पड़ जाएगा हमारे ऊपर क्रोध आएगी पनिशमेंट आएगा ओके सेज नो हम जाके ये अच्छे खबर को जाके राजा को बताएंगे करके वो लोग जाकर बता देते हैं वर्क ऑफ गॉड एक्सपेक्ट गॉड टू मेक अब कभी सोचते नहीं कि प्रभु ऐसे सोलूशन लेकर आएगा वी वु थिंक हम सोचते कि युद्ध लड़ना है उनको मारना है उसके बाद उनके जो भी स्पॉयल uh, है उसको लेकर आना है दिस इज द वे विच नॉर्मली वी वुड अज्यूम गॉड टू डू बिकॉज सच things god already did also right वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने ऐसे बहुत बार किया है कि प्रभु के लोग जो इजराइल के लोग हैं जाकर युद्ध लड़के वो सब चीज को उठा वापस लेकर आते हैं ऐसे बहुत बार हुआ है पर यहाँ जब प्रभु का कार्य हम देखते हैं वो अलग है हमारी सोच से अलग हमारे विचार से अलग हालेलुया हमारे विचार सोच से बहुत बड़ा प्रभु ने खुद क्या किया ऐसे कार्य किया कि सीरियन आर्मी जो था विरोधी जो था ऐसी आवाज सुन रहा है जैसे बड़ा सेना उनके विरोध में आई है बहुत सारे घोड़े का आवाज शारीरिक का आवाज आकर ये लोग डर के मारे वैसे ही सब छोड़कर भाग गए दिस इज द वे गॉड वर्क ऑलवेज बियॉन्ड आर थॉट बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन एंड इवन द grace दैट गॉड विल ब्रिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड पीपल ये चार जन जो तुच्छ माने हुए थे बोलो नहीं आकर ये

दिए और वो मर गया। उसने देखा था पर उसने उसमें से भाग्य नहीं बना। अगर आप प्रभु के लोग हैं प्रभु से प्रेम करते हैं प्रभु कुछ ना कुछ रास्ता खोल सकता है नेवर जस्ट वन पाथ और वन कैन डू इट सुपर नेचुरली ही कैन डू इट इवन इन अ डे इवन टूमो कल भी प्रभु एक महान कार्य करता है पर लेट्स हाँ हमें हमारे अंदर वो विश्वास को जगाना है कि क्या ये संभव है हाँ ये संभव है इज दिस इवन पॉसिबल दैट गॉड कैन जस्ट सेंड नॉइज एंड लिटरली स्कैटर द एनिमी येस इट्स पॉसिबल आ मैन ये संभव है और प्रभु कर भी सकता है तो आज भी हम विश्वास करेंगे ये वचन को पकड़ के रखेंगे और कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में भी अगर ऐसे चीज है नो दर्ज एन एम्बोश अराउंड यू द एनिमी कैंप टोटली अराउंड यू यू हैव नो वे टू गो आउट कि मैं कैसे बाहर निकलूँ पर प्रभु कहता है कि आज प्रभु वो द्वार खोलेगा हमें जैसे परमेश्वर ने पत्रस के लिए वो द्वार खोला जैसे परमेश्वर ने के लिए वो द्वार खोला उसके लिए उपलब्ध किया जैसे इज़राइल के के लोगों के लिए प्रभु ने उपलब्ध किया आज हमारे लिए भी प्रभु करेंगे वो द्वार खोलेंगे नए नए कार्य नई नई बातें नई नई गवाही के साथ प्रभु आज भी हमें उत्साह कर रहे हैं और बिलीव इट हम विश्वास करेंगे साथ मिलकर एक मन होकर कि प्रभु अगर आप ये आपके लोगों के लिए कर सकते तो आप मेरे लिए भी कर सकते हैं हमें इफ यू कैन वेज वॉर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ योर पीपल आपके लोगों के लिए अगर आप युद्ध लड़ सकते हैं तो हमारे लिए भी हम जानते हैं कि आप हमारे युद्ध लड़ सकते हैं आमे हाल लो या आइए सब प्रार्थना करें थैंक यू चीज धन्यवाद प्रभु ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया है आज भी हम विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जानते हुए कि हम कुछ नहीं है प्रभु पर आप सब कुछ है हमारा विश्वास मनुष्य पर नहीं है मनुष्य की बात पर नहीं है मनुष्य की सोच विचार पर नहीं है प्रभु हम प्रभु बहुत बार हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं और कहते हैं कि ये जीवन में क्या है मेरे लिए मेरे लिए क्या है कि अच्छा होता कि मैं जीता भी नहीं ऐसे बहुत बार प्रभु हम मन हार कर जीते हैं पर आज धन्यवाद कि आपने हमें वचन के द्वारा उत्साह किया और कहा है एक जीवन है और एक आशा है देर इज अ होप एंड अ फ्यूचर एंड यू होप शल नॉट बी कट ऑफ तुम्हारा आशा वो तोड़ी नहीं जाएगी क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे लिए एक आशा है और एक भविष्य भी है धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे लिए हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ता को सीधा करते हैं आप हमारे आगे आगे जाते हैं हमारे युद्ध आप लड़ते हैं प्रभु पिता यू आर द गॉड हु फाइट्स बैटल्स फॉर

Apart from this world, something spiritual, something, Lord Father, supernatural that happens, Lord Father, that you have not done this, Lord. ऑर्डनरीली ये सब आपने साधारण कार्य नहीं आपने अलौकिक कार्य किया है यीशु मसीह हम मांगते हैं ऐसे अलौकिक कार्य हमारी जीवन में भी हो जाए प्रभु पिता कि आप अपने लोगों को वो जकड़ से निकालकर आप एक गवाही बनकर खड़ा कर दे यीशु मसीह के नाम से जैसे आपने एलाइजा को भी वो एक भोजन के साथ वो दो भोजन के साथ खाकर जैसे वो खाता है आपने चालीस दिन चालीस रात भागने का वो सामर्थ्य उसको दिया प्रभु हम मांगते हैं हम मांगते हैं कि आज भी आपके लोगों को हर एक जन जो आज ये वचन हमने पढ़ा है ये भोजन हमने खाया है आज हम मांगते हैं ये सामर्थ हमें दे ताकि हमारा यात्रा हम सब प्रभु उसमें सामर्थ के साथ चले यस फादर वी प्रे दैट यू विल गिव ईच एंड एवरी वन ऑफ अस दैट हैज टेस्टेड दिस वर्ड इवन टुडे दैट स्ट्रेंथ टू रन आवर जर्नी फेथफुली फादर विथ योर स्ट्रेंथ योर पावर एंड योर माइट फादर आप हमें चलाइए आप हमसे प्रभु लगातार बात कीजिए हमें स्थिर कीजिए जो कोई भी मन आ रहा है नहीं जानते कि कल क्या होगा हम मांगते हैं आज भी जैसे आपने कहा वचन में हम मांगते हैं कि कल भी आप एक महान कार्य करने के लिए हो है नया द्वार खोलने के लिए हो है प्रेम से हमारे जीवन को भर दे प्रभु हम मांगते हैं हमारा सोच हमारा विचार हमारा मन आपके सम्मान रहे जैसे हमने अंदरियाज के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कि प्रभु आपने जैसे मन उनको दिया है हम मांगते हैं हमें भी वो मन दे प्रभु

धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है आज भी धन्यवाद कि मौका आपने दिया आपको खोजने के लिए और ये समय आपके वचन में बिताने के लिए हम मांगते हैं वचन जो जीवन है प्रभु इस वचन में जो जीवन है वो हमारे अंदर वो जीवन आज भी आ जाए यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से मैं जीवन को घोषित करती हूँ आई स्पीक लाइफ फादर इन टू द लाइफ ऑफ योर पीपल टूडे विल लिव इन द नेम ऑफ चीजे द दे विल डू ग्रेट एक्सप्लॉय्स फॉर यू इन द नेम ऑफ दैट एवरी डार्क सिचुएशन ऑफ दिय बी टर्न फादर चेंज इन द नेम ऑफ दे चीज दिल the light that your light will shine upon them lord and that you will do mighty things that new new testimonies will rise in the name of jesus धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु हम सारा आदर महिमा गौर स्तुति प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह के अति नाम से मांगते हैं आमेन 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 हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. May God bless you all. You know, as we have spoken life over each and every one of you, believe it, receive it, even today. As Jesus said, receive the Holy Spirit, receive the word of God. I believe it. I believe and I know that God is gonna do great and mighty works. Mighty works in your life. And He is gonna He's speaking life over you. यू नो इवन यू रीड इन द बुक ऑफ एसकेल दर्ड ऑफ गॉड सेज दैट एज गॉड पास बाय जैसे परमेश्वर जाता है वचन कहता है कि uh, इसराइल को समझते हुए कि उनके खून में वो एक बालक सम्मान वहाँ uh, सबसे छोड़ा हुआ जन था द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट child that is let go in the blood, the child is but God says looks at the child and says live, तुम jiyo प्रभु कहता है आज भी प्रभु कहता है live, God wants you to live and God स्पीक्स टू अस ईच एंड एवी वन फस जियो तुम प्रभु ने तुम्हारे लिए जो कार्य किया है यात्रा तैयार किया है वो बहुत बड़ा है और प्रभु खुद सामर्थ देगा वो चलने का पर फेथफुली उनको पकड़ते हुए डाउट ना करते हुए विश्वास में हम ठहर के रहेंगे विश्वास में बने रहेंगे प्रभु हर एक झंझीर तोड़ेंगे गेट खोलेंगे हम चला आने वाला परमेश्वर रहेगा जैसे स्वरदूत पतस को लेकर लेकर चला वैसे प्रभु हमारे हाथ पकड़ कर लेकर चलाएंगे हमें सही मार्ग पर और प्रभु की महिमा के लिए खड़ा करेंगे आ मैं गॉड ब्लेस यू ऑल जो भी हेरिड है जो भी लोग है जो भी शतन का कार्य है जो आपके विरोध में प्लानिंग है नथिंग विल कम टू पास नथिंग विल uh, Flourish in the name of Jesus because God is on our side. Amen. Prabhu Hamare saath hai. Let's believe this. And you know, whenever I read this word, no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you shall condemn. confess We say this word that no weapon formed against you shall prosper. prabal But the next verse, continually when we read it, it says, this is the heritage of the saints of the Lord and their righteousness is from me. ये एक भाग है यू नो हेरिटेज जब हम बोलते हैं कि बाप दादाओं से आती है बाप दादा को छोड़ो प्रभु से जो ये हेरिटेज आती है हमें प्रभु से जो ये भाग हमारा आता है दिस दिस इज द हेरिटेज ऑफ द देंट्स ऑफ द लॉर्ड जो प्रभु के जन है उनके लहू से दो शुद्ध किए है, संत हैं मतलब हम जो प्रभु के लोग हैं धार्मिकता भी प्रभु की ओर से हमें आती है द राइचियसनेस कम्स फ्रॉम गॉड द वर्ड ऑफ गॉड से दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सेन्ट्स ऑफ द लॉर्ड एंड दाइचनेस इज फ्रॉम मी मैं उनको धार्मिक बनाने वाले परमेश्वर हूँ इसके लिए उनके विरुद्ध में जो भी हथियार है वो प्रबल नहीं होगी नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर एवरी टाइम द राइज अगेंस्ट यू यू शैल कंडेम आमेन सो लेट्स बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड लेट्स होल्ड ऑन आप इस उत्साह में जाइए प्रभु आपको महान कार्य करके अपने नाम की महिमा आपके जीवन द्वारा करेगा आमेन सो गॉड ब्लेस यू ऑल जय मसी की सबको थैंक्स टू प्रेयर ग्रुप टीन जीजस प्रदासशि एंड ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अंग विद ऑल दिस टाइम मे गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर एवरीबडी प्रे सलाम Thank you so much. Praise the Lord. God bless you.